नाविका सागर परिक्रमा तारिणी टीम के पूरी दुनिया के समुद्र की ऐतिहासिक यात्रा में शामिल बतौर उपकप्तान लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जमवाल का कुल्लू पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। लेफ्टिनेंट प्रतिभा जमवाल ने मीडिया के साथ इस ऐतिहासिक यात्रा के अनुभव साझा किए और यात्रा के बारे में जानकारी दी। पूरी दुनिया के समुद्र की ऐतिहासिक यात्रा में शामिल बतौर उप कप्तान लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जमवाल का कुल्लू पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जमवाल ने कहा कि 10 दिसंबर 2017 को ये ऐतिहासिक नाविका सागर परिक्रमा यात्रा को देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और इस यात्रा के पहले पड़ाव में वो 25 दिन के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे और इस दौरान दक्षिणी प्रशांत महासागर में तूफान में 20 घंटे तक उन्हें लहरों के बीच समुद्र में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ वे दूसरे पड़ाव में फिनलैंड के आयरलैंड में रुकी और ऑस्ट्रेलिया में 15 दिन तक रुकने के बाद इस दौरान उन्होंने वहां पर कई कार्यशालाओं में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी, जिसमें टीम के सहयोग और केंद्र सरकार के सहयोग से इंडियन नेवी फोर्स ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ये एक अच्छा प्रयास था और इस उपलब्धि से देश के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। लहरें काफ़ी ऊंची उठ रही थी, अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर तक, और जो हवाएं थी वो 140 किलोमीटर पर आर की स्पीड से बह रही थी। और हमारे हॉल्ट्स जहाँ तक रिलेटेड हैं, तो हमारे हॉल्ट्स जो प्लान्ड हॉल्ट्स थे वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फॉकलैंड आइलैंड और केप टाउन साउथ अफ्रीका में प्लान्ड थे, पर एक टेक्निकल हॉल्ट हमें लेना पड़ा कि मॉरिशियस में, पोर्ट लुई में, बिकॉज हमारा जो स्टेयरिंग सिस्टम है वो टूट गया था क्लोज टू मॉरिशियस। शुरू की थी इस ट्रेन, इस वॉयज के लिए ट्रेन होना, तो हमें आइडिया भी नहीं था कि हम लोगों के लिए कोई इंस्पिरेशन बन सकते हैं, पर अब जब बाय द टाइम हम भी इसको एंड कर चुके हैं और हमने देखा कि यूथ में और स्पेशली वेमेन में जितना इसने अपना जागरूकता फैलाई है, तो वो एक डेफिनेटली हमें भी खुशी प्रदान कर रहा है। और मुझे लगता है कि लड़कियों को और फॉर दैट मैटर उनके पेरेंट्स को ज़्यादा अब एक भरोसा बन गया होगा अपनी बेटियों पर, और मैं होप करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि वो अपनी बेटियों पर ज़्यादा ट्रस्ट दिखाएंगे। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।